गांव के चौकी पड़ोखर अंतर्गत क्षेत्र के पड़ोखर निवासी रीता देवी पत्नी सुरेश श्रीवास्तव पत्रकार के एक पुश्तैनी मकान पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर डराया धमकाया गया। जैसा कि काफी पुराना मकान होने के कारण वादी सुरेश श्रीवास्तव पत्रकार के पिता द्वारा उनकी पत्नी के नाम वसीयत किए जाने पर उनके कुछ करीबियों द्वारा कुछ लोगों द्वारा बेचे जाने का मामला उठाया गया, तो उक्त पत्रकार अपने मकान को सुरक्षित व अपने कब्जे में लेकर पत्नी के साथ मकान में रहने लगे, जिसे कुछ लोगों ने एक अपने निजी वाहन से वहां पर पहुंचकर पत्रकार की पत्नी से 2 तोले के सोने की चैन छीनते हुए अभद्रता किया। सुशील कुमार पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम जोगीपुर जिला सीधी मध्य प्रदेश, रामाधार पुत्र झकड़ फूलचंद्र पुत्र रामाधार एवं 5 अज्ञात व्यक्ति को लेकर रामाधार का दामाद सुशील कुमार एक बोलेरो गाड़ी जिसका नंबर CG10FA4218 से आए और पत्रकार की पत्नी को घर से तमंचे की नोक पर मकान को खाली करा लिए, मकान से बेघर कर दिए गए। आदि लोगों ने पत्रकार की पत्नी से अभद्रता करते हुए मकान पर कब्जा कर लिया। इसकी सूचना पत्रकार ने 112 नंबर पर दी तथा स्थानीय पुलिस चौकी पड़ोखर एवं SHO कोराव को फोन पर बताया और मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस के सामने घर पर कब्जा कर लिए और पुलिसकर्मी काटती रही। उक्त पत्रकार से जुड़ा मामला होने के कारण उनके कुछ विरोधियों द्वारा भी उनके विपक्षियों के साथ मिलकर हाथ सेंकने की कोशिश करने लगे, जिससे उनकी छवि धूमिल हो सके। स्थानीय पुलिस पर कुछ माफियाओं द्वारा दबाव बनाए, जिससे पुलिस दबाव में आकर कन्नी काटने लगी। मामला गंभीर होने को लेकर उक्त पत्रकार ने अपनी और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की गुहार प्रशासन से लगाई है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए राजीव द्विवेदी की खास रिपोर्ट।